एस होम क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज ब्रेकफास्ट में बनाते हैं आलू गोभी मटर और बैंगन की सूखी सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए आलू गोभी मटर टमाटर बैंगन और छोंक के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च लहसुन प्याज की कुछ पत्ती और करी पत्ते। और इसके साथ ही हम बनाएंगे मेथी थेपला। मेथी थेपला के लिए हमें चाहिए है मेथी की भाजी, इसे हमने धो के रख दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए है आटा, गेहूं का आटा, साथ में बेसन थोड़ा सा, लहसुन अदरक हरी मिर्च इसको हमने कूट लिया है, साथ में चाहिए स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मोइन के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए है और चाहिए है कसूरी मेथी, सूखी वाली कसूरी मेथी है जैसे हमने हाथ से। और इसके अलावा हमें चाहिए है जीरा अजवाइन और हींग। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ते। करी पत्ते के साथ ही डालेंगे हम इसमें लहसुन हरी मिर्च और साथ में प्याज की पत्ती। लहसुन के हल्के गुलाबी हो जाने के बाद हम इसमें सब्जी भी डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने अंदाज से डालिएगा, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और साथ में अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इसमें सब्जी और भी जो चाहे ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, सेम वगैरह सेम गाजर जो भी आप डालना चाहें साथ में। और सबको मिक्स करके हम ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे। अब इसी सब्जी में हम टमाटर भी डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी कलर लग रही है सब्जी के, चला देंगे और सब्जी को अब हम अच्छे से भून लेते हैं। और इसके साथ ही थेपला बनाने के लिए थोड़ा दही मिलेंगे हम, तो चलिए पहले आटे में सारा सामान मिला लेते हैं। आटे बेसन में हमने सारा सामान मिला दिया है। इसके साथ ही मोन के लिए हम तेल भी डाल देंगे इसमें और साथ में इसमें दही मिला देना है। और इन सबको मिलाकर हम थोड़ा पानी डालकर इसको एक मुलायम डो बना लेते हैं। तो चलिए पहले इसको पानी डाल के डो बनाते हैं, साथ में ही हम सब्जी भी छौंक लेते हैं। ये हमारा थेपले का डो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा तेल लगाकर अच्छे से इसको मिलाकर ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम थेपले बनाने शुरू करते हैं। इस तरह से हमने इस आटे की इस तरह से लोई बना ली है। अब हम इन्हें बेल लेंगे, साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं और थेपले को थोड़ा पतला ही बेलना होगा। इस तरह से करके अब हम इसको बेल लेते हैं। अब गर्म हो गया है, अब हम इस पर इसको डालकर सेक लेंगे। और बहुत कड़ा तो मैंने नहीं सेकना है, इन्हें हम मुलायम ही सेकेंगे। देखिए साइड से हल्का से किया है, अब हम इस पर तेल लगा देंगे। तेल आप जो लगाना चाहें, रिफाइंड सरसों तेल, जो भी हमारे यहाँ सरसों तेल ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग सरसों तेल में ही सेक रहे हैं। इस तरफ से दूसरी तरफ से भी हम इसमें तेल लगा देंगे और मुलायम सेक कर ही निकाल लेंगे। हल्के ब्राउन कलर का पराठा जब हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। ये हल्का मुलायम सेक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी थेपले हम इसी तरह से सेक लेते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये थेपला और साथ में आलू गोभी मटर टमाटर बैंगन की सूखी सब्जी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।